अक्सर हम क्राइम के लिए पुलिस वालों पर बरस पड़ते हैं। कुछ भी गड़बड़ी होती है तो पुलिस वाले चौतरफा सॉफ्ट टारगेट बनते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन में एएसआई शंभु दयाल, जो कि 57 साल की उम्र के थे, जैसे बहादुर लोग भी हैं जो अपने फर्ज के लिए जान भी न्योछावर कर देते हैं। आपने दिल्ली पुलिस के इस एएसआई के बारे में जरूर पढ़ा होगा, नहीं तो जरा गूगल कर लीजिएगा, ट्विटर पर है तो सर्च कर लीजिएगा। पुलिस अधिकारियों से लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम नागरिक भी शंभु दयाल की शहादत को नमन कर रहे हैं। केजरीवाल ने लिखा कि जनता की रक्षा करते हुए एएसआई शंभु जी ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, वो शहीद हो गए, हमें उन पर गर्व है। उनकी जान की कोई कीमत नहीं, पर उनके सम्मान में उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगे। सर्च करने पर आपको शंभु दयाल के पार्थिव शरीर को कंधा देते सीनियर पुलिस अफसर भी दिखेंगे। तस्वीर शेयर करते हुए प्रशांत लिखते हैं, खुश नसीब है वो जो वतन पे मिट जाते हैं मगर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। पिछले कुछ घंटों में एएसआई शंभु दयाल पर हमले का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है, जो एक पुलिस वाले की बहादुरी को दिखाने के लिए काफी है। दरअसल 4 जनवरी की ये बात है। शाम करीब 4 बजे मायापुरी फेज 1 झुग्गी की रहने वाली एक महिला थाने में शिकायत देती है कि एक बदमाश ने उनके पति का मोबाइल फोन लूट लिया। आरोपी धमकी भी दे रहा था। एएसआई शंभु दयाल तुरंत रेवाड़ी लाइन के पास झुग्गी में पहुंचे। उन्होंने अनीस नाम के आरोपी को पकड़ दिया। जब वो अनीस को थाने ले जा रहे थे, रास्ते में उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। अनीस ने चाकू से करीब 1 दर्जन वार किए। मायापुरी में तैनात एएसआई शंभू ने बड़ी बहादुरी से उसे पकड़े रखा। बदमाश के हमले में खून बहने लगा, लेकिन शंभू ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। अनीस भागा, पर खून से लथपथ एएसआई शंभू दयाल ने दूसरे पुलिसकर्मियों की मदद से उसे पकड़ लिया। इलाज के दौरान 8 जनवरी की सुबह इस जाबाज ने दुनिया को अलविदा कह दिया। एएसआई की अंतिम यात्रा निकली तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा, स्पेशल पुलिस कमिश्नर सागरप्रीत हुडा, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल और डीसीपी घनश्याम बंसल ने अर्थी को कंधा दिया। जिसने भी यह दृश्य देखा पुलिस वाले की बहादुरी को सल्यूट करते हुए सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि हमारी पुलिस में ऐसे बहादुर जवान हैं। शंभू मूल रूप से दरअसल राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले थे। वो 5 फरवरी 1993 को सिपाही के तौर पर दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे। 30 साल की सेवा के दौरान वो कई विभागों में रहे। उनके परिवार में पत्नी संजना, 2 बेटी और 1 बेटा है। परिवार विजय एनक्लेव इलाके में रहता है। एएसआई शंभू दयाल पर आरोपी अनीस ने चाकू से कई बार किए थे। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोग भीतर से हिल गए। दिखाई दे सकता है कि एएसआई पर उस बदमाश को लेकर तभी किसी बात को लेकर वो रुकते हैं और पिछले किसी से बात करते दिखते हैं। मौका पाकर आरोपी अनीस चाकू निकाल लेता है और पीछे से वार कर देता है। शंभू उस बदमाश का मुकाबला करते हैं, हाथापाई होती है, वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। हमलावर लगातार वार करता जाता है। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वो बदमाश एएसआई की गिरफ्त से भाग नहीं पाया। हैरानी की बात यह है कि चाकू से वार कर रहे हमलावर को देखते हुए भी आसपास जुटी 20 से 25 से ज्यादा लोगों की भीड़ कुछ नहीं कर पाती। कई नौजवान हिम्मत नहीं दिखाते। शायद 2-4 लोग एक साथ हमलावर को पकड़ने की कोशिश करते तो एएसआई की जान बचाई जा सकती थी। ये एएसआई आखिरकार गए किसके लिए थे? वहीं के लोगों के लिए। आरोपी ने चाकू लहराते हुए धमकी दी कि कोई आगे बढ़ा तो वो मार देगा। ये सुनकर लोग डर गए। हालांकि जैसे ही वो रुका और भागने की कोशिश की तो लोगों ने उसका पीछा किया। वहां कुछ बच्चे भी दिखाई दिए। वेस्ट दिल्ली के डीसीपी घनश्याम बंसल का कहना है कि आरोपी अनीस को फांसी की सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। दिल्ली पुलिस अपने बहादुर जवान के परिजनों की मदद करेगी। बताया जा रहा है कि परिवार के किसी सदस्य को नौकरी भी दी जा सकती है। ऐसे बहादुर पुलिस के जवान की शहादत पर दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश नतमस्तक है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।